बिहार के नए डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद को वित्त और वाणिज्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आइए जानते हैं कैसे करेंगे वो वित्त विभाग की प्लानिंग और क्या है उनके खुद के वित्त की मौजूदा स्थिति। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में नामांकन के दौरान चुनाव आयोग को जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक तार किशोर का व्यवसाय व्यापार और कृषि है। तार किशोर प्रसाद की कुल घोषित संपत्ति 1,89,40,307 रुपए है, जिसमें लगभग 50 लाख रुपए चल संपत्ति है और 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। तार किशोर प्रसाद ने सरकारी बीमा कंपनी LIC में 3 लाख रुपए का निवेश किया हुआ है। गाड़ियों की बात करें तो उनके पास बुलेरो, स्कॉर्पियो, इनोवा और टाटा इंडिगो है, जिनकी कीमत 20 लाख रुपए है। इसके साथ ही बिहार के नए वित्त मंत्री ने गोल्ड में करीब 22,50,000 रुपए का निवेश किया हुआ है। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें TV9 भारतवर्ष। अरे सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।